के अधिवक्ता प्रमोद द्विवेदी ने इंदौर नगर निगम पर बड़ा आरोप लगाया है। द्विवेदी ने कहा कि नगर निगम में बैठे कुछ लोग जोन कार्यालयों में बैठकर अवैध रूप से जमीनों की रजिस्ट्री बनाने का कार्य कर रहे हैं। अधिवक्ता प्रमोद द्विवेदी ने कहा कि नगर निगम जोन कार्य संपादन के लिए है, लेकिन उन्हें जानकारी लगी थी कि नगर निगम के कई जनों पर निगम के कर्मचारी बिल कलेक्टर ने मध्य प्रदेश सरकार की महती योजना स्वामित्व पर पलीता लगाने के लिए फर्जी रूप से रजिस्ट्री दफ्तर खोल रखे हैं। वहां पर रजिस्ट्रियां तैयार की जा रही हैं, वहीं नगर निगम कर्मचारी रजिस्ट्री की रसीद भी काट रहे हैं। द्विवेदी के मुताबिक हजारों रुपयों की रिश्वत लेते हुए ताजे खाते भी खोले जा रहे हैं। अधिवक्ता द्विवेदी ने बताया कि रजिस्टर ऑफिस में जहां 5 से 7 रजिस्ट्रियां टाइप हो रही हैं, तो वहीं कार्यालय पर 70-70 रजिस्ट्री या बाहर से बंद कर आ रही है। संबंधित अधिकारियों को इस मामले में अंदेशा हुआ तो उन्होंने राजमहल्ला के जोन कार्यालय पर पहुंचे, जहां एक महिला रजिस्ट्री बनाते हुए पाई गई। एडवोकेट प्रमोद द्विवेदी का आरोप है कि इंदौर नगर निगम की महापौर व अन्य अधिकारी सफाई के नाम पर सुबह से शाम तक व्यस्त रहते हैं। वह उन्हीं के निगम जोन ऊपर निजी तौर पर रजिस्ट्री कार्यालय संचालित हो रहे हैं। साथ ही द्विवेदी ने कहा कि इस मामले की जांच होना चाहिए और इसमें नगर निगम के कर्मचारियों के साथ ही उपायुक्त, जोनल ऑफिसर सहित कार्यों में संलिप्त जिम्मेदारों को सजा होना चाहिए। द्विवेदी ने उपायुक्त लता अग्रवाल का जिक्र करते हुए उन पर भी कार्यवाही करने की प्रशासन से मांग की है। द्विवेदी के मुताबिक वह पहले भी इस अधिकारी को लेकर शिकायत कर चुके हैं। नगर निगम के जोन नगर निगम के काम संपादन के लिए है। देखिए, जानकारी प्राप्त हुई थी कि नगर निगम के कई जोनों पर नगर निगम के कर्मचारी बिल कलेक्टरों ने मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार की महती योजना सहस्वामित्व पर पलीदा लगाने के लिए फर्जी रूप से रजिस्ट्री दफ्तर खोल रखे हैं। वहां पर रजिस्ट्रियां तैयार हो रही थी, नगर निगम के कर्मचारी रसीद काट रहे थे, हजारों रुपए की रिश्वत खोरी लेते हुए ताजे खाते खोले जा रहे थे। उस पर तो कलेक्टर और नगर निगम के अधिकारियों के साथ जो भी संवाद होगा, हमारे विभागीय अधिकारी वरिष्ठ अधिकारियों को पूरी मामले संज्ञान में दे दिया है। लेकिन जैसे ही हमें जानकारी मिली कि रजिस्ट्रार ऑफिस में हम 5 या 10 रजिस्ट्रियां हम लोग टाइप कर पा रहे हैं और 70-70 रजिस्ट्रियां कई जगहों से रजिस्ट्रार कार्यालय में आ रही हैं, अधिकारियों ने शंका जताई थी कि कई लोग अवांछनीय तरीके से ये रजिस्ट्रियां बना रहे हैं, विभिन्न शासकीय दफ्तरों में बन रही है। सूत्रों की जानकारी के बाद हमने कई जोनों पर आज सवेरे से छापामारी की थी। उसमें राजमहल्ला जोन पर 11 बजे ये महिला रजिस्ट्री बनाते हुए पकड़ी गई है। इस महिला के बारे में जानकारी प्राप्त करी तो इसे जितेन पांडे नाम के किसी व्यक्ति ने बिठाया है। सवाल यह है कि नगर निगम जोन पर जोनल अधिकारी होते हैं, उपायुक्त होते हैं, नगर निगम के आयुक्त महोदय प्रतिदिन सफाई के नाम पर सुबह 5 बजे से अपने मैदान में डटे होने का डिडोरा पीटती हैं। महापौर जी सक्रिय होने की बात करते हैं, फिर ऐसे एक प्राइवेट दफ्तर कैसे संचालित हो रहा था? कल से तो यह होगा कि नगर निगम में आप लीज पर दे देंगे और कोई बाहरी व्यक्ति उसको पूरा का दफ्तर चलाएगा और नगर निगम के कर्मचारी और अधिकारी वहां अपनी जेब गर्म करते रहेंगे। ये अवांछनीय गतिविधियां थी, इसके पूरे मामले की जांच होना चाहिए और दोषी अफसरों के साथ साथ जोनल अधिकारी और उपायुक्त लता अग्रवाल तक भी सस्पेंड किए जाना चाहिए। मैंने इस योजना के पहले ही आरोप लगाया था कि लता अग्रवाल के संरक्षण में इंदौर में कई अवांछनीय संपत्ति करके खाते खोल दिए गए हैं। बेचारे लोगों को, जो जरूरतमंद मकान मालिक है, उनकी संपत्ति कर की रसीदें नहीं काटी जाती हैं, लेकिन फर्जी काम को अंजाम देने के लिए अब तो नगर निगम ने रजिस्ट्रार कार्यालय के लाइसेंस शुदा सर्विस प्रोवाइडरों से अलग हट करके, वकीलों से अलग हट करके अपने दफ्तर खुलवा दिए हैं। यह है इंदौर का नगर निगम।